सोलन के सप्रून बाईपास चौक के समीप देर रात एक व्यक्ति जब सड़क पार कर रहा था तब वह वहां से गुजर रहे वाहन के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 37 वर्षीय मृतक जसविंदर पंजाब हुशियारपुर के रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि सोलन में सब्जी की दुकान का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और वाहन चालक को हिरासत में लेकर दुर्घटना के कारणों को लेकर पूछताछ की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि बाईपास पर एक वाहन दूसरे वाहन को ढोकर ले जा रहा था तो मृतक सड़क लांघते हुए पिछले वाहन के नीचे आ गया। उन्होंने कहा कि मृतक को जब अस्पताल लाया गया तो उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। कल शाम को 7:45 के लगभग पुलिस चौकी सप्रून में एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, जिस पे आईयू वहाँ स्पॉट पे गए और फिर हॉस्पिटल में गए तो पता चला था कि जसविंदर जी और बिल्लू जो गढ़शंकर के रहने वाले थे और वो यहाँ सोलन एक सब्जी की दुकान में सप्रून में काम करते थे, उनकी कल एक एक्सीडेंट में उन्हें इंजरीज लगी थी हुई थी और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाके वहाँ पे उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो पता चला कि वो सड़क क्रॉस कर रहे थे और एक खराब पिकअप होगी जिसे टोचेन करके ले जा रहे होंगे तो उसकी रस्सी में पांव फंसने से ये हादसा हुआ था। इसमें जो गाड़ी टोचेन कर रही थी वह जो दूसरी गाड़ी थी सेकंड गाड़ी जो कि टोचेन होके ले जा रहे थे जिसके टायर के नीचे जसविंदर जी के आने की वजह से मृत्यु हुई है, तो दोनों को ही प्रथम दृष्टया दोनों के अगेंस्ट एफआईआर हुई है प्राइमरी फेस्ट जो भी है हमारे को सिचुएशन जगह से जो बयान आया है और जो वहाँ पर जिस तरह का देखने में आया है। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट रहेगा कि एग्जैक्टली किसका फॉल्ट था और किसकी कहाँ पे किससे नेग्लिजेंस हुई।